नमस्ते बच्चों, इस वीडियो में हम शून्य से घटाव करना सीखेंगे। एक दिन जब कैफी स्कूल से वापस आई तो उसने देखा कि आज उसके पसंद का खाना बना है। कैफी ने पेट भर के खाना खाया। कैफी खाना खाकर अपने कमरे में जा रही थी कि उसने देखा कि मेज पर 16 चॉकलेट्स रखी हैं। पेट भरा हुआ होने के कारण कैफी ने सोचा कि वह ये चॉकलेट बाद में खाएगी। बच्चों, क्या बता सकते हैं अब मेज पर कितनी चॉकलेट्स रखी हैं? बिल्कुल सही, 16। कैफी ने एक भी चॉकलेट नहीं खाई, यानी शून्य चॉकलेट खाई। और जब हम किसी भी संख्या से शून्य घटाते हैं तो उसका उत्तर शून्य में घटाई हुई संख्या के बराबर ही होती है। यहाँ पर चॉकलेट्स की संख्या 16 थी। कैफी ने एक भी चॉकलेट नहीं खाई। इसका मतलब हमने 16 में से शून्य को घटाया तो हमारा उत्तर 16 ही होगा। आइए इसका एक और उदाहरण देखते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अगर कैफी के पास 14 लकड़ियां हैं और उसने शून्य लकड़ियां बबलू को दे दी, कैफी के पास अब कितनी लकड़ियां हैं? बिल्कुल सही, 14। जैसा हमने अभी देखा, जब हम किसी संख्या में से शून्य को घटाते हैं तो उसका उत्तर शून्य में घटाई हुई संख्या के बराबर ही होता है। यानी 14 में से शून्य घटाएं तो बचे 14। बच्चों, अब आपकी बारी है इस मजेदार पहेली पर हल ढूंढने की। बबलू के सामने एक डिब्बे में 20 कंचे हैं। बबलू ने एक भी कंचा नहीं उठाया। अब डिब्बे में कितने कंचे बचे हैं? अपने परिवार और दोस्तों के साथ अपना उत्तर साझा करें। इस वीडियो में हमने 20 तक किसी भी संख्या के साथ शून्य घटाना सीखा।